ख्वातीन हज़रात, लेट्स वेलकम मुनीब भट्ट एंड एवन खान। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एवन प्लीज आए, प्लीज आए, हैव अ सीट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार कितना ख्याल रखते हैं मुनीब आपका, बहुत हाथ भी पकड़ा हुआ है, आपके कपड़ों को भी संभाल रहे हैं यार, माशाल्लाह। मुनीब के लिए तालियां यार, वाह 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 वाह। कितना जबरदस्त मुनीब, ये क्या वजह है आप माशाल्लाह इमन का हमेशा? वजह ये है कि ड्रेस इतना हैवी है। अच्छा, और पहले इस वजह से आप ज्यादा ख्याल कर रहे हैं? मैं गिर जाऊं। हां, पहले इसने मुझे बोला था ज्यादा हेल्प कर देना। मैं माशाल्लाह, तो आप जहां जाते हैं इसी तरह हाथ पकड़ के माशाल्लाह दोनों साथ में एंटर होते हैं, ड्रेस को देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। बहुत जबरदस्त जबरदस्त बात है। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या मसरूफियत होती है ईद के दिन? अब हम तो रात के टाइम पे मिले हैं। मैंने बोला भाई सुबह का टाइम सबका बिजी वक्त होता है, ऑब्वियसली गेस्ट भी आ रहे होते हैं, कोई खीर शीर भी बनानी होती है, ईद की नमाज भी होती है, तो कैसा गुजरता है आपका ईद का दिन, क्या मसरूफियत होती है? ईद का दिन आई थिंक ईद की नमाज से शुरू होता है, उसके बाद हम लोग पहले ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, बट इस साल से हमने सोचा है कि प्रॉपर। तो पहले क्या करते थे आप लोग? पहले लेट उठते थे ना, मतलब नमाज पढ़ के मुनीब सो जाते थे, हम नाश्ता भी नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा प्लान है, ट्रेडिशन चेंज हुआ भाई। ईद डिपेंड, ईद जो है वो शादी से पहले की अलग होती है और शादी के बाद की बिल्कुल ही अलग होती है। बताएं बताएं बताएं। शादी से पहले की जो मर्दों की ईद होती है उसके अंदर तो ईद शुरू ही होती है चांद रात से, ठीक है? चांद जैसे नजर आता है ईद समझे आप स्टार्ट हो जाती है, निकल गए बाहर, और सुबह के 4 बजे तक ईद चलती रहती है। और ईद का जो दिन होता था वो सोते हुए ज्यादा गुजरता था, ईद की नमाज पढ़ के लड़के सोते हैं, शाम में 5-6 बजे उठ के फिर निकल जाते हैं अपनी ईद मनाने के लिए दोस्तों के साथ। शादी के बाद ये है कि आपने जल्दी सोना है, सुबह फजर की ईद की नमाज पढ़ के थोड़ा सा सोना है और उसके बाद फिर निकल जाना है। पूरा एक ट्रिप प्लान हुआ होता है, पहले फलाने का घर, उसका घर, इसका घर, एक भी घर मिस नहीं कर सकते। अपने रिलेटिव से सब मिलने जाते हैं, सबसे पहले निकलते हैं, ससुराल जाना है, ससुराल के बाद बहन के ससुराल जाना है, मतलब बहन के घर जाना है, तो आप एक भी घर मिस नहीं कर सकते। तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो सुबह ही उठ जाते हैं 2-3-4 घंटे की नींद करके। मुझे तो आपका ईद डे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वैसे। नहीं नहीं, हमारा बड़ा अच्छा होता है, अच्छा मजेदार होता है। ईद का पहला दिन हमारा काफी मशहूर होता है। ईद वो होती है जिसमें आप अपने सारे रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबके घर जाके खाने खाते हैं और बस लोगों के साथ अलग अलग। और ईदी का डिपार्टमेंट किसका है भाई? ईदी की बात बताएं, ईदी किसके है आपका डिपार्टमेंट? किसका आप बताएं किसका आपका डिपार्टमेंट है ईदी का? ऑफ कोर्स, जिसके दत्थी बस रखी डिपार्टमेंट है, पर डिमांड हमारी है। डिपार्टमेंट से मुराद ये है कि जो भी डिमांड होती है, जिसकी पहले मैं से पूछ लेता हूँ कि इस दफा कितने लोगों की कैलकुलेशन बना लो, जितनी ईदी देनी है पहले लिफाफे सारे तैयार, वो ला के मैं इसके हाथ में दे देता हूँ। इसने बड़े अच्छे लिफाफे छपाए हैं, बेस्ट विशेस फ्रॉम एमन एंड मुनीब, वो रखे हुए हैं, वो रखे हुए वेयर हाउस, वो हर वो लिफाफे ऐसे हैं जो हर इवेंट पे चल जाते हैं, किसी की शादी को देना हो, किसी की बर्थडे पे देना हो, बेस्ट विशेस From Aman and Munif. अकीका हो किसी का भाई, आप भी छपवा ले, मैं तो आपको मशवरा दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। चेक अभी मुनीब के भाई कहीं शादी पे जा रहे थे, उनको लिफाफा चाहिए था, तो मैंने उनको वही दिया जिसपे हमारा नाम छपा था। हाँ, हाँ। तो जिसको भी दिया होगा उस पे हमारे नाम के साथ ही गया। अच्छा, मेरे लिफाफे। अब एक्टर्स में एक और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है भाई, ईद है तो ईद पे हमने तैयार भी ऑब्वियसली होना है, और फिर जब इंस्टाग्राम पे आपके कुछ 10-12 मिलियन फॉलोअर, एवन के 12 मिलियन फॉलोअर्स के लिए तालियां भाई। 12 नहीं है अभी, कितने? अब 11 पॉइंट 3 12 पे राउंड ऑफ कर दिया हमने ऑलमोस्ट 12 मिलियन फॉलोअर्स। तो ऑब्वियसली वो जो फैंस की एक एक्सपेक्टेशन फॉलोअर्स की होती है कि भाई ईद की पिक्चर कब आएगी, तो वो इज इट ऑल्सो एट द बैक ऑफ योर हेड कि यार कि हमने ईद की पिक्चर खिंचानी है, उसका सेटअप ही होगा, उस हिसाब से ये कपड़े होंगे, कपड़ों की प्लानिंग कितने दिन पहले, वो जरा प्रोसेस बताएं। प्रोसेस ये है कि कपड़ों की प्लानिंग हमारी पक्की होती है कि फर्स्ट डे कौन सा ड्रेस पहनना है, सेकंड। अब तो मेरे साथ अमल भी होती है ना, तो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पूरी फैमिली का एक ईद लुक आएगा। और लास्ट ईयर तो मुझे याद है कि हम ईद की पिक्चर्स में इतना लेट हो गए थे। अब मीनार की वो पहली ईद थी, मीनार शादी के बाद आई थी और हमें शाम के 6 बज गए थे, हम तस्वीरें खिंचवाए जा रहे थे फॉर द फैंस कि हमारी कोई पिक्चर पोस्ट नहीं हुई, क्योंकि लास्ट टाइम हम थोड़ा लेट हो गए थे ईद पे। बट इसीलिए इस साल से हम जल्दी उठे हैं, हमने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की हैं, पिक्चर्स खिंचवाई हैं हम टाइम पर। तो लेट का मतलब क्या, कितने बजे आपकी पिक्चर? लेट यूजुअली मैं आपको बताऊं कि तो दूसरे दिन हुई थी हसन, ओए 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 ओए, ईद के पहले दिन तस्वीर ही नहीं अपलोड की, मेरे फैंस बेचारे
सारे मुझे मैसेजेस करके वेयर इज योर पिक्चर। अच्छा उसका एक फ्लिप साइड ये भी है, मैं चाहूंगा आप लोग इसके बारे में बात करें, खुदा ना खासा चले फॉर व्हाटएवर रीजन अगर पिक्चर नहीं अपलोड हुई तो कहीं और ले जाते हैं बात को, कि भाई पिक्चर ही नहीं अपलोड हुई यार, ये क्या सीन है, फड्डा तो नहीं हो गया आपस में, तो वो भी यू फील ऑल ऑफ दैट एज वेल, उस तरह के कॉमेंट्स भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं एक्चुअली, आप ही सोचते इतना, मैं बहुत सोचती हूं, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा, बुरा सोचो कि बुरा ही होगा, अच्छा अच्छा सोचो। तो अभी आपने क्या टाइम डिसाइड किया भाई, इस टाइम पे पिक्चर आ जानी चाहिए ताकि सबको सुकून मिल जाए, जल्दी आएगी, जल्दी जल्दी आएगी भाई, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो मुनीब आप ये बताएं कि आप ये सोशल मीडिया का प्रेशर कोई फॉलो करें, आप तो कह रहे हैं कि कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस बात। हाँ मैं तो सुबह भाई इतना प्लान ही नहीं करते कि कौन इतना प्लान करे यार कि फलाने मैंने इतने बजे करनी है, ये करनी है, वो करनी है, पूरे दिन ही नहीं पिक्चर आई तो फिर तो प्रेशर आता है, तो है कि नेक्स्ट डे तो फिर मुझे सुबह 12 बजे अपलोड करनी है, करनी है, वो इतनी लेट हो गई थी, मैंने कहा छोड़ो यार अब दूसरे दिन लगाएंगे। मुझे लगता है सोशल मीडिया को छोड़ के बंद, हेमन की बात नहीं कर रहा, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, इंसान को बात तो हेमन की हो रही है अब यार, वैसी बात कर रहा हूँ कि इन सब चीजें, ये सोशल मीडिया सब साइड की चीजें, ईद को अपना एंजॉय करना चाहिए, पिक्चर्स के बारे में कौन सोचता है यार, मैं तो नहीं सोचता, ये भी इतना ज्यादा प्लीज मुनीब की इतनी लंबी फोटोशूट होती है, पूरी प्रॉपर फोटोशूट करा लेते हैं, लेकिन इतना सोचता नहीं हूं इतने मजे हो रही होती है ना, कुछ भी नहीं करना होता, नहाए धोए बाल बनाए जी तैयार हो गए, हमें मेकअप करना है, रेडी 12 मिनट 35 सेकंड की तैयारी है मेरी टोटल, जिसमें से 10 मिनट कपड़े निकालने के और 2 मिनट 35 सेकंड तैयार होने के, बस ये इतनी सी तैयारी है हमारी, दैट्स इट। तो अब माशाल्लाह अमल इज आल्सो इन दैट स्टेज जब वो एंजॉय करती होगी आई सपोज इवेंट्स को, बर्थडे को, ईद को, तो ईद को लेके पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट होती है इस दफा? मैंने असल में पिछली दफा तो वो बड़ी छोटी थी, 2.5 साल की थी, तो बोलना सीख रही थी, अब तो खैर माशाल्लाह बहुत समझदार है और 3.5 साल की बच्ची के हिसाब से कुछ ज्यादा ही समझदार है, तो अब उसको मैंने पूरा समझाया हुआ है कि ईद क्या होती है, रोजे क्या होते हैं, फास्टिंग क्या होती है, ईद हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, सब समझाया हुआ उसको और ईद पे क्या करना है सब, तो अब बड़ी एक्साइटेड है और आई थिंक उसको देख के अब हम ज्यादा ईद मनाते हैं पूरी फैमिली। ऑफ कोर्स बच्चों के आने से रौनक और आ जाती है ना, एक और वो डिजायर होता है भाई बच्चों के, जैसे आप बता रही कोऑर्डिनेशन, कपड़े, वो सारा मेहंदी, हम मेहंदी लगवाते नहीं है लेकिन उसकी चांद रात पे हमें लगवानी ही लगवानी है, क्योंकि अब उसको वो सारे सेंस आ गए, मम्मा आई वांट मेहंदी, आई वांट चूड़ियां, उसको सब चीजें चाहिए प्रॉपर। तो अच्छा मुझे एक और बात बताएं, अब ईद के ईद वन डे वन, ईद डे टू, ईद डे थ्री ज्यादातर फैमिली के साथ गुजरता होगा, यही दावते हैं, कभी इस घर कभी उस घर, कभी इस घर कभी उस घर, ईद के फौरन बाद क्या सीन होता है, मैं ब्रेक होती है कुछ काम से आप लोगों ने ब्रेक लिया? ईद के फौरन बाद सबसे पहले तो डाइट होती है 4 दिन, मैं तो ईद के दिनों में मैं तो कोई डाइट वाइट कुछ भी नहीं देखता होता, रमजान में भी नहीं है भाई, कोई आश्रय नहीं है, जो जिसके घर में जाओ अगर उन्होंने कबाब देना है, शीर कोरमा देना है, खीर देनी है, बिरयानी, जो उन्होंने सर्व करना है, मैंने तो नहीं छोड़ना। पूरे रमजान मुनीम ने बहुत डाइट किया है लेकिन ईद पे मुनीम डाइट नहीं करता, पूरे रमजान मैंने इतना काम किया, इस रमजान में मेरे पास टोटल कोई 3 इफ्तारियां जो मैंने घर पे की है और कुछ 4-5 सहरियां हैं जो मैं सेट से करके आया हूँ, मतलब इतना बिजी रमजान था और इतनी मैंने डाइट की है, इसके अंदर कोई आश्रय नहीं, जो जिसके अच्छा जो जहाँ से आ गया, जिसके घर में जो उन्होंने दे दिया वो बिला आशा। तो ऐसा भी होता है कि ईद के बाद आप लोग ऑफ लेते हैं ट्रैवल करने के, एक हफ्ता भाई कोई काम नहीं करेंगे यार, 2 हफ्ते चिल अप करना हमने, जैसे अभी आप बता रहे हैं ऑब्वियसली हमारा प्लान है इंशाल्लाह आप 2-3 दिन में आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे 2-3 दिन में आप पिक्चर। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मेरा कोई ड्रामा पैक हो या कोई भी मेरा सीरियल का पैकअप हो ना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ता 10 दिन के लिए कोई ट्रिप प्लान कर लूं बाहर, जरूरी है ताकि बच्चों को भी टाइम हो जाए, वाइफ को भी टाइम दे जाए, क्योंकि 3-4-5 महीने इतने बिजी होते हैं कि घर पे टाइम ही नहीं दे पा रहे होते, तो एक वेकेशन हर प्रोजेक्ट के बाद मैंने अपने प्लान में रखी होती है और वो बजट ही प्रोडक्शन से लिया होता है। यार बजट की ट्रिक सिखाएं आप, आप दोनों में से वैसे बिजनेस हैवी ज्यादा कौन है? बिजनेस हैवी आई ये इस बात बजट की बात पे एकदम मेरे दिमाग में सवाल आ गया, हम दोनों एक दूसरे से पूछते हैं। अच्छा नहीं वो कह रहे हैं बिजनेस माइंड ज्यादा किसी से, एक सेवी होता है ना बंदा, ठीक है यार ऑब्वियसली यू रनिंग इतना बड़ा एक इंस्टाग्राम आपका है, लेकिन फिर भी हम दोनों को जहाँ पे भी जरूरत एक दूसरे की पड़ती है ऑब्वियसली। एमन का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी सी शाह खर्च है, सोचती नहीं है खर्चा करने से पहले। अच्छा और मतलब अगर एमन के हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाए तो मैंने अब अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत। इसकी क्या वजह हुई एमन? इसकी वजह ये हुई महंगाई के मुनीब ने तो नहीं मशवरा दिया यार महंगाई महंगाई भी, और फिर मुझे फील हुआ कि यार अब ये आई थिंक एक टाइम आता है ना जब आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और फिर एक टाइम आता है जब आप सोचते हैं कि यार अब मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे फालतू खर्च नहीं करना चाहिए,
और अब महंगाई इतनी हो गई है भाई, इतनी महंगाई हो गई है, जो चीज आप नॉर्मली पहले लेते थे अब वो दो गुना रेट पे मिल रही है। ठीक है, तो पहले आप सोचते नहीं थे कि चलो ले लो, अब तो दो दफा सोचना पड़ता है। ईदी का रेट तो नहीं कम किया आपने? ईदी रुपीज में, ईदी का कोई लेना नहीं डॉलर से, ईदी रुपीज में भाई उतने रुपीज है, उतने ही है, बढ़ाने चाहिए मुनीप इससे इस साल। ईदी पीक, ईदी वाहिद ऐसी चीज है जो कि जिसमें करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, ईद और ईदी से मुझे अब ये मौका है कि हम हमारे जो बाकी के दो गेस्ट हैं उनको भी बुलाएं। जानते हैं आप कौन आ रहा आज? मैंने शायद नाम सुना सुना लग रहा है, आप बता रहे थे शायद कभी मुलाकात। एक की तो शक्ल भी मिलती है मन से। अच्छा, सरप्राइजिंग। मैं एक शक्ल के सात लोग होते हैं, पता नहीं उसमें से कौन है भाई। आपने बात की हम शक्लों की, आप कह रहे हैं सात तरह के लोग होते हैं जिनकी एक जैसी शक्ल होती है। उन सात में से एक ऐसी शख्सियत जिनकी शक्ल एमन के साथ मिलती है वो यहाँ पे मौजूद है, उनको बुलाने जा रहे हैं। उनके साथ जो दूसरे शख्स हैं उनकी शक्ल नहीं मिलती इन दोनों में से किसी के साथ।